हे गाइस, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि रावण के हाथ कैसे बनाते हैं। तो रावण के हाथ बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको वुडन स्टिक चाहिए, इतनी छोटी। फिर उसके हाथ बनाने के लिए बड़ी वुडन स्टिक चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए सर्किल। मैंने इसके मोटे आयरन के तार से बनाए हैं, आप इसे लकड़ी से बना सकते हो पर ये बढ़िया रहते हैं। फिर आपको जो छोटी वाली वुडन स्टिक है वो ऐसे करके इसमें जोड़नी है आयरन के तार की मदद से। मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं पहले से, आप भी इसे काट लीजिएगा, आपको फ़ायदा पड़ता है। और आप ऐसे जोड़ लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से एक और स्टिक जोड़नी है इसकी तरीके। ऐसे बनने के बाद ये बहुत मजबूत हो जाता है, देखिए हिल नहीं रहा बिल्कुल और ये दबेगा भी नहीं। तो आपको उसको बहुत मजबूत बनाना है और आपको ऐसे आयरन के सर्कल बनाने हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप आयरन वायर के सर्कल की जगह फ्लेक्सिबल वुडन स्टिक भी यूज़ कर सकते हो सर्कल बनाने के लिए। आप वुडन स्टिक बांधने के लिए आयरन की वायर की जगह रस्सी या फिर थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। इस साल हम लोग रावण मेकिंग की सीरीज़ बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग रावण की पुतले के हाथ बना रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रावण का सिर कैसे बनाते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ बन चुके हैं, अब इनको जोड़ना है। ये दोनों को हाथ को हमने जोड़ लिया है और जुड़ने के बाद ये ऐसे लग रहे हैं। ये रावण के दोनों हाथ बन चुके हैं, अब हम रावण का सर बनाएंगे।